दोस्तों, सीटेट 2022 का फॉर्म फिल करते टाइम बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे मिस्टेक हो गई है, तो उनके कमेंट के माध्यम से ये क्वेश्चन आ रहे थे, क्या मैम हम करेक्शन कैसे करें या इसका क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नेम, फादर नेम, मदर नेम, लैंग्वेज को लेकर, या फिर जिन्होंने पेपर वन फिल किया है, सेकेंड नहीं किया है, तो अब उनके मन में आ रहा है कि हमें दोनों फिल करना चाहिए था, उसको लेकर के जो भी करेक्शन है, ये सारे जो आपके अंदर डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, किस किस फील्ड में आप करेक्शन कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर सीबीएसई बोर्ड की नोटिस देख पा रहे होंगे। द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन इन देयर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: नेम, फादर एंड मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, पेपर ऑप्टेड, पेपर फर्स्ट और सेकेंड, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन पर्टिकुलर सिटी, सब्जेक्ट फॉर पेपर सेकेंड, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्टेड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी यानी कि जनरल या ओबीसी एससी जो भी आपने भरा था, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, इसके अलावा पेपर ऑप्टेड जैसे कि पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए आपने अप्लाई किया था, या फिर पेपर वन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर पेपर टू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट इसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं, वो कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि मैम मैंने एक पेपर अप्लाई किया है, क्या अब दूसरा पेपर अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, आपके करेक्शन की डेट 28/11/2022 से 3/12/2022 तक है, जिसमें आपके जो भी मिस्टेक हैं वो आप लोग ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट फॉर पेपर टू यानी कि जो पेपर टू होता है अपर प्राइमरी, उसमें मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस में से कोई भी एक आपको ऑप्ट करना होता है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार, तो उसमें भी आपके द्वारा मिस्टेक हो गया है, तो उसे भी आप चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में भी आप करेक्शन कर पाएंगे, और आप अपनी भाषा यानी लैंग्वेज को बदलना चाहते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर ही शी हैज़ ऑब्टेंड हिज हर बीएड डिग्री और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जहाँ से आपने बीएड या फिर डीएलएड डिप्लोमा डिग्री जहाँ से आपने किया था, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम भी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। इसके अलावा जो पिन कोड आपने भरा था उसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दिस फैसिलिटी ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस। दोस्तों, करेक्शन आप सिर्फ एक ही बार कर पाएंगे, आपकी जो भी मिस्टेक है, जैसे फादर नेम में या मदर नेम में या पेपर या लैंग्वेज को लेके जो भी मिस्टेक है, आप जब फॉर्म पे करेक्शन के लिए उस पर अप्लाई करेंगे तो सारा एक ही साथ करेंगे जो भी आप में मिस्टेक है। ऐसा नहीं है कि आपने मदर नेम को कर दिया फिर उसको फॉर्म को सबमिट करने के बाद फिर अदर जो पेपर से रिलेटेड है उसको करेक्शन करेंगे, उसका ऑप्शन ही नहीं आपको मिलेगा। आपके पास बस एक ऑप्शन है करेक्शन का, आप करेक्शन करके रीचेक करके उसके बाद फॉर्म को सबमिट करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके अब जो भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे फिर से एक वीडियो में आप लोग के सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।